जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन भी हो चुका है और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि लद्दाख में संविधान के आर्टिकल 371 को लागू किया जाए और इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह खुद सक्रिय हो गए हैं। तो आखिर क्या है आर्टिकल 371 जिसे लद्दाख में मोदी सरकार लागू करना चाहती है और आखिर आर्टिकल 371 के लागू होने के बाद लद्दाख में क्या बदलेगा? क्या जिस तरह से आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए थे अब 371 के जरिए वैसे ही प्रावधान लद्दाख में भी लागू हो पाएंगे? क्या इस आर्टिकल से लद्दाख को देश के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में विशेष व्यवस्था मिलने लगेगी? आखिर लद्दाख में 371 के लागू होने से क्या ही बदल जाएगा? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जम्मू कश्मीर से अलग होकर नया बना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ऐसा राज्य है जहां विधानसभा नहीं है और यह तय हुआ है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए। लेकिन जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के जरिए वो चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और अगर ये नहीं हो सकता है तो लद्दाख में 6th शेड्यूल यानी कि 6th अनुसूची लागू की जाए। तो ये 6th अनुसूची क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं। दरअसल भारतीय संविधान की 6th अनुसूची में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। 6th अनुसूची ये प्रावधान देती है कि राज्यों के अंदर बने इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिले। राज्य के राज्यपाल को ये भी अधिकार मिलता है कि वो जिलों की सीमाओं को बदल सकते हैं, यानी कि किसी जिले की सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियाँ हैं तो कई अलग अलग जिले भी बनाए जा सकते हैं। इन जिलों का प्रशासन चलाने के लिए हर जिले में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्त जिला परिषद बनाने का भी प्रावधान है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सदस्य हो सकते हैं, हालांकि असम इसका अपवाद है। ये काउंसिल जल, जंगल, जमीन, खेती बाड़ी, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अलावा खनन, कानून व्यवस्था, विरासत, शादी, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज से जुड़े कानून बना सकती है। मकसद ये है कि आदिवासी समुदाय के हितों को संरक्षित किया जा सके। अब लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि उनके राज्य को भी 6th अनुसूची में शामिल किया जा सके ताकि लद्दाख को भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसा विशेषाधिकार मिल सके, क्योंकि लद्दाख में सबसे ज़्यादा आबादी जनजाति की है। इस मांग के सबसे बड़े समर्थक सोनम वांगचुक हैं, जिनकी ज़िंदगी पर 3 इडियट्स जैसी फिल्म भी बन चुकी है। अपनी मांग को लेकर सोनम वांगचुक लंबे समय तक आंदोलन कर चुके हैं। कांग्रेस भी लद्दाख के लोगों की इस मांग का समर्थन कर रही है। और तो और, खुद बीजेपी के सांसद भी चाहते हैं कि लद्दाख को 6th अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है। लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने को लेकर चल रहे आंदोलन की अगुवाई करने वाले दो प्रमुख संगठन लेह एपेक्स बॉडी यानी कि ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि KDA के साथ खुद गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की है और कहा है कि लद्दाख को 6th अनुसूची में तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ आर्टिकल 371 लागू किया जा सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आर्टिकल 371 क्या है। आर्टिकल 371 संविधान के भाग 21 का हिस्सा है। इस आर्टिकल के जरिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक कुल 12 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के आदेश से महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग से विकास बोर्ड का गठन हो सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 371A नागालैंड को लेकर विशेष प्रावधान करता है, जिसमें नागालैंड की विधानसभा की सहमति के बिना संसद में नागालैंड से जुड़ी सामाजिक, धार्मिक प्रथाओं, जमीन और स्वामित्व से जुड़ा कोई भी कानून नहीं बन सकता है। आर्टिकल 371B असम के लिए विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 371C से मणिपुर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है। आर्टिकल 371D से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष दर्जा मिलता है। आर्टिकल 371E से आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। आर्टिकल 371F सिक्किम के लिए है। आर्टिकल 371G मिजोरम के लिए, आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए, आर्टिकल 371I गोवा के लिए और आर्टिकल 371J कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान लेकर आता है। इन विशेष प्रावधानों से मतलब ये है कि चाहे नागालैंड हो या मणिपुर या फिर सिक्किम और अरुणाचल,
इन राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक विषयों को लेकर संसद जो कानून बनाती है और जो पूरे देश में लागू होता है, वो इन राज्यों के निवासियों पर लागू नहीं होते हैं। संसद के बनाए कानून इन राज्यों में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक इन कानूनों को राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी न मिल जाए। तो मोटा माटी समझने के लिए ये काफ़ी है कि आर्टिकल 371 और 371 ए से जे तक राज्यों को विशेषाधिकार मुहैया करवाता है। अगर आर्टिकल 371 लद्दाख में लागू होता है तो इसके लागू होने से लद्दाख को भी विशेषाधिकार मिल जाएगा और तब केंद्र सरकार इस लद्दाख के विकास के लिए अलग से फंड जारी कर सकेगी। लद्दाख अपने लोगों के लिए नौकरियों में संविधान में दिए गए आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर भी आरक्षण दे सकेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह ही लद्दाख के मूल निवासियों को अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी पारंपरिक मान्यताओं को संरक्षित करने का भी अधिकार मिल जाएगा। लद्दाख में आर्टिकल 371 को लागू करना जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। दरअसल इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पहले भी जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ आर्टिकल 371 ही था, लेकिन जैसे जैसे राज्यों का पुनर्गठन होता गया, संविधान में संशोधन करके 371 के साथ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे जोड़े गए, तो लद्दाख के लिए भी अब नया उपबंध जोड़ना होगा। बाकी जाते जाते आपको ये भी याद दिला दूं कि आर्टिकल 371 संविधान के भाग 21 का हिस्सा है और इसके प्रावधान अस्थायी होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर के लिए 370 अस्थायी था। तो सरकार चाहे तो आर्टिकल 371 को लागू करने के बाद उसे हटा भी सकती है और ये पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया होगी। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।